एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जीमेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे कि जैसे हमारे गूगल ड्राइव या फिर जीमेल फुल का मैसेज आता है तो वो मैसेज ना आए विदाउट हमारे कोई भी वीडियोस फ़ोटो डिलीट किए हुए। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि जीमेल कैसे बनाते हैं और जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो साइबर कैफ़े में जाते हैं और वहाँ से जीमेल बनवाते हैं, उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट देते हैं, तो ताकि वो आप उसको सेव कर सकें और आप खुद बनाना जान लें। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल बच्चों ने 10th 12th का जो फॉर्म फिल किया है उसके लिए वो साइबर कैफे गए और बहुतों ने जाकर के जीमेल क्रिएट करवाया, बट बहुत को ऐसे बच्चे थे जिनके जिनको नॉलेज था कि हाँ कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो जिन्हें नहीं मालूम है तो चलिए उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने क्रोमियम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाइए और गूगल पर लिखिए यहाँ पर जीमेल साइन अप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गया, यहाँ पर दिया साइन अप और गूगल वर्क स्पेस, यहाँ क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो यहाँ देखिए साइन इन के लिए भी है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट अ जीमेल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक किया और देखिए क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर है ऑलरेडी मेरा बना हुआ है एक, यहाँ पर ऐड अकाउंट टू डिवाइस, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल पर आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर माई पर्सनल यूज़ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट नेम देंगे। सपोज मैंने फर्स्ट नेम दे दिया यहाँ पर आरजू, ओके, मैंने यहाँ दे दिया। सरनेम ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो डेट ऑफ बर्थ अपना जो भी है आप वो डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ अपना एग्जैक्ट नहीं डाल रही हूँ, मंथ मैंने अप्रैल ले लिया है, ईयर ले लिया मैंने 1996, ठीक है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर डाल दिया मैंने फीमेल, उसके बाद कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप किस कौन सा जीमेल अपना रखना चाहते हैं, नहीं यहाँ पर डाला है डॉट, तो क्या डॉट लेगा ये भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक किया और ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर गया, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड है, तो पासवर्ड अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप चूज कर लेंगे, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होगा, एक कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, और स्मॉल लेटर डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे ASD मैंने डाला, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर लेना है और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हो गया, हैच हो गया या फिर डॉलर हो गया, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये कम्बिनेशन जो होता है ये होता है आपका हार्ड पासवर्ड, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया और इसको क्या करेंगे, आपने लिखा और उसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज़ दिस ईमेल एड्रेस टू साइन इन लेटर, ठीक है, यानी मेरा यहाँ पर क्रिएट हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ टर्म एंड पॉलिसी है, पॉलिसी यहाँ पर गिवेन है, एग्री पर क्लिक किया, आई एग्री, ठीक है, और एग्री पर क्लिक करने के बाद वह आपको क्या है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, अब जाकर के आप साइन इन कर सकते हैं। तो अब चलिए हम साइन इन करते हैं। साइन इन करने के लिए जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा हुआ था साइन अप के लिए, तो उसी तरह से जीमेल साइन इन किया आपने। तो एक्चुअली हर किसी का मोबाइल क्या है ना कि जब परचेज करते हैं उसके बाद ही साइन इन करने का रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो आपके ऑलरेडी किसी ना किसी जीमेल अकाउंट से साइन इन होगा, ठीक है। तो मुझे अभी का जो करना है वो करना है, ठीक है, तो इस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वहाँ से जा करके नेक्स्ट ऐड करके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ कि मोबाइल में क्या है कि ऑलरेडी जो क्योंकि कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ होता है वहाँ पर जाएंगे, आपके बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐड अकाउंट में क्या है कि अभी जो बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा अभी जो बनाया है arzu321.ta@gmail.com मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से ऐड होगा जो भी, देखे यहाँ पर वाईफाई ओनली, ऑटो सिंक्रोनाइज डेटा, यहीं से जो है डेटा आपका सिंक्रोनाइज होकर के यहाँ स्टोर हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी आपने फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया, कुछ भी किया, ये सारे इसी जीमेल में जाकर के सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन जो डेटा का ऑफ कर दिया है, ताकि क्योंकि मेरे ऑलरेडी दूसरे जो जीमेल हैं वहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो मुझे इसमें नहीं करना है। तो ये है आपका सिंपल सा, अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।